ईश्वर के तीन रूप ऐसे हैं कि हम कर्म से ही उसमें आगे बढ़ सकते हैं। करीब करीब सत्संग करने वाले सब लोग इतना जानते हैं कि परमात्मा का परम रूप वो है जिस रूप में मिलने के बाद इस जीवात्मा को कभी भी भिन्न नहीं होना पड़ेगा, जिसे एक बिंदु अगर सिंधु में मिल गया तो स्वयं सिंधु भी उस बिंदु को अपने से अलग नहीं कर सकता। जल की एक बिंदु अगर पानी में मिल गई है, समुद्र में मिल गई, फिर उसी बिंदु को उस समुद्र से बाहर कैसे कर पाओगे? क्योंकि बाद में वो बिंदु रहता ही नहीं है, वो सिंधु बन जाता है। उस समुद्र में जो बिंदु मिल चुका है उस बिंदु को, उसी बिंदु को कोई सिंधु से अलग नहीं कर सकता, यहां तक कि खुद सिंधु भी नहीं। परमात्मा के उस स्वरूप को, परमात्मा के परमानंद स्वरूप को, परमात्मा के उस सिंधु स्वरूप को, भगवान भी महासिंधु की तरह है और ईश्वर के उस महासिंधु स्वरूप को अगर किसी ने प्राप्त कर लिया, उसमें अगर डुबकी लग गई तो उसके लिए भगवान न दो हाथ वाला होता है, न चार हाथ वाला होता है, न राम रूप में होता है, न कृष्ण रूप में होता है, लेकिन उसके लिए परमात्मा प्रचंड प्रवाह के रूप में हो जाता है। फिर राम रूप को भगवान जरूर कहेंगे, लेकिन उससे भी बढ़कर उसका अनुभव होगा। कृष्ण रूप को भगवान के रूप में वो जानेंगे जरूर, लेकिन जिसने ईश्वर के उस महासिंधु रूप में डुबकी लगा दी, उसके लिए तो भगवान के अनगिनत दर्शन हो जाएंगे। क्योंकि फिर उसके लिए दुनिया में जहां जहां उसकी दृष्टि पड़ेगी, जिस आकार पर पड़ेगी, वो आकार भगवान का ही होगा। मैं देखूं जिस ओर सखीरी, सामने मेरे सांवरिया। जिसने उस महासिंधु रूप ईश्वर में डुबकी लगा दी, जिस बिंदु ने, जिस जीवात्मा ने, जिस आत्मा ने, दुनिया के प्रत्येक आकार उनके लिए प्रभु के होंगे, बावजूद उसके उसकी दृष्टि में परमात्मा निराकार हो। सभी आकार भगवान के होते हुए भी भगवान के निराकार रूप का आनंद ले पाना अंतिम बात होती है। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं भगवान आकार में है, निराकार नहीं। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार नहीं होता। लेकिन परमानंद उन लोगों को होता है जो प्रत्येक रूपों में भगवान का दर्शन करें, उसके बावजूद भी उसके लिए भगवान का कोई आकार नहीं होता। प्रत्येक आकार में उसका आनंद भी ले ले, लेकिन उनका मन जो है वो ईश्वर के परमानंद रूप में एकाकार हो। ऐसा जब होता है तो ईश्वर भी उसको अलग नहीं कर सकता। इसी को कहते हैं कि परमात्मा को पूर्ण रूप में समझ लिया। कुछ
कुछ विशेष विभूतियों के नाम श्रीमद् भागवत में बताए हुए हैं कि उनने भगवान को जान लिया है। जैसे सुखदेव जी महाराज ने, अर्जुन ने, प्रहलाद जी ने, बलि राजा ने, कुछ नाम बताए, जनक जी ने, ऐसी विभूतियों ने जिन्होंने भगवान को पूर्ण रूप से जाना। इसका मतलब जगत के सभी रूपों में भगवान का अनुभव कर ले, भगवान का दर्शन कर ले, क्योंकि ईश्वर का जो निराकार रूप है उसका तो अनुभव किया जाता है, दर्शन नहीं किया जाता। अनुभव करोगे तो बिना दर्शन के रह जाओगे, दर्शन करोगे बिना अनुभव के रह जाओगे। पूरा तो वो है कि हमको दर्शन भी होता रहे, अनुभव भी होता रहे। तो इन आंखों को जितने आकार हमको दिखते हैं उसमें हम दर्शन कर ले उसके, और हमको जो आनंद होता है उसका हम अनुभव कर ले। जैसे समुद्र में कोई तरंग उठती है तो उसको तरंग नाम दिया गया है, है तो पानी, तरंगाकार वो कब तक रहेगा? समुद्र में जो तरंग उठी है वो तरंगाकार क्षणिक है, उसका जलाकार शाश्वत है, निरंतर है। जो तरंग के रूप में जल उछलता है वो कब तक रहेगी उसका कोई भरोसा नहीं। तरंग शांत हो जाएगी और समुद्राकार बन जाएगी, यह निश्चित बात है। लेकिन ऐसा भी तो नहीं कह सकते कि तरंग समुद्र से कोई अलग चीज है। समुद्र का आस्वाद और तरंग का आस्वाद कुछ अलग हो सकता है क्या? दर्शन अलग होता है। तरंग में से लेकर के आचमन कर लो या समुद्र से लेकर के पानी पियो, स्वाद एक जैसा है। स्वाद में फर्क नहीं, जल तत्व में फर्क नहीं, दोनों एक ही चीज है। आकार का नाम तरंग है और वो आकार शांत हो गया तो इसका नाम समुद्र है। फर्क इतना है कि तरंग का होना निश्चित नहीं है, जल का होना निश्चित है। तरंग कब तक रहेगी ये कोई भरोसा नहीं है, समुद्र तो रहेगा, पानी तो रहेगा, यह निश्चित बात है। पर हम समुद्र को मानते हैं तरंग को नहीं, ये तो कैसी बात हुई? अगर आप ये कहते हैं कि हम समुद्र को मानते हैं, हम तरंग को नहीं मानते, तो क्या यह समुद्र का अधूरा दर्शन नहीं हुआ? अगर आप ये कहो कि हम तरंग को मानते हैं समुद्र को नहीं, तो क्या यह अधूरा दर्शन नहीं हुआ? ठीक वैसी बात है अगर आप ये कहो कि हम अवतारों को मानते हैं निराकार को नहीं, या फिर कोई ये कहे कि हम निराकार को मानते हैं अवतार को नहीं, तो बात तो यही हुई, कोई तरंग को मानता है समुद्र को नहीं, कोई समुद्र को मानता है तरंग को नहीं। तत्वतः समुद्र ही तरंग के रूप में है और तरंग ही पीर समुद्र के रूप में है। भगवान के दर्शन में साक्षात्कार इसको कहते हैं। साक्षात्कार का सुख यह है